हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 14 ईयर्स ओल्ड मिखेल ताल की एक बेहतरीन गेम दिखाने वाला हूं। ये गेम जो है उन्होंने सोवियत जूनियर चेस चैंपियनशिप 1950 में खेली थी। इस गेम में उनके ओपोनेंट है मिग्लन। मिखेल ताल के वाइट पीसेस है और उन्होंने गेम की शुरुआत e4 से की। एंड नाउ e5, नाइट f3, नाइट टू c6 एंड बिशप टू b5, रुई लोपेस a6 एंड नाउ बिशप टू a4। सो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एक्चुअली देखा है कि बिशप कैप्चर्स ऑन c6 एंड देन नाइट कैप्चर्स ऑन e5 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपको पोन नहीं मिलेगा, ब्लैक को वो पोन जो है वापस मिल सकता है। सो यहाँ पे बिशप टू a4 खेला गया। एंड नाउ नाइट टू f6 कैसलिंग शॉट, नाइट कैप्चर्स ऑन e4 एंड नाउ d4। सो यहाँ पे से आप जो है नाइट कैप्चर्स d4 खेलते हो, देन नाइट कैप्चर्स d4 और पोन कैप्चर्स d4 के बाद रुक e1 और आपकी नाइट पिन हो जाएगी और जो है वो पीस चला जाएगा। उसी तरह से आप जो है पोन कैप्चर्स ऑन d4 खेलते हो, बट देन रुक टू e1 जो है दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नाइट को पिन किया है, सो d5 यहाँ पे फोर्स एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन d4। सो यहाँ पे दो थ्रेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल f3 और ये नाइट जो है उसको विन करने की। दूसरी थ्रेट है दोस्तों नाइट कैप्चर्स ऑन c6, पोन कैप्चर c6 एंड बिशप कैप्चर्स ऑन c6 के बाद ये रुक विन करने की, यानी कि एक्सचेंज विन करने की। और इस पोजीशन में ब्लैक जो है बिशप टू d6 खेलता है। सो ब्लैक का आइडिया ये होता है, अगर हम नाइट कैप्चर c6 खेलते हैं देन बिशप कैप्चर्स ऑन h2, किंग कैप्चर्स h2, क्वीन टू h4 चेक, उसके बाद किंग जो है वापस g1 एंड देन क्वीन कैप्चर्स ऑन f2, और वहाँ पे परपेचुअल में जो है वो गेम ड्रॉ हो सकती है। बट वाइट जो है बिशप कैप्चर h2 के बाद किंग h1 के लिए जाता है, और ये सेम वेरिएशन जो है मैंने कल के वीडियो में दोस्तों थोड़ा डिटेल में दिखाया, सो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हो। सो फिलहाल के लिए चलते हैं गेम में, जहाँ पर d4 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने जो है वो b5 खेला। एंड नाउ बिशप टू b3 एंड नाउ d5, डी टेक्स ऑन e5 एंड बिशप टू e6, क्योंकि d5 पर अटैक था। एंड नाउ मिखेल ताल ने c3 खेला। सो ये बिशप जो है आगे चल के दोस्तों b1 h7 डायगोनल पे जा सकता है, और आपका पोन ऑन e5 पे है, दैट मींस नेचुरल डिफेंडर f6 पे मौजूद नहीं है। सो कई बार आप जो है बिशप कैप्चर h7 सेक्रीफाइस भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पे ब्लैक ने जो है वो बिशप टू c5 खेला, बल्कि ब्लैक के लिए अच्छा ये था कि वो बिशप जो है उसको e7 पे रखता और जो है यहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन में बिशप को प्लेस करता। बट ब्लैक ने जो है बिशप को एग्रेसिव पोजीशन पर प्लेस किया, बिशप टू c5, और आगे चल के हम देखेंगे दोस्तों इसी बिशप की पोजीशन की वजह से ब्लैक जो है वो ये गेम लॉस्ट हुआ। एंड नाउ नाइट b2 d2 एंड नाइट कैप्चर्स ऑन d2। और दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि नाइट पहले जो f6 पे निकली एंड देन e4 पे गई एंड देन अब जो है उसने कैप्चर किया। सो क्या किया वाइट ने, जस्ट एक ही जो है बार नाइट चली, उसके सामने ब्लैक ने तीन मूव जो है वो इन्वेस्ट की उस नाइट को कैप्चर करने के लिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नाइट ने जो है दो मूव वेस्ट की, और ओपनिंग स्टेज में आप इस तरह से मूव वेस्ट करते हो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में अगर आप एक भी टेम्पो लॉस करते हो तो जो है कई बार आधे पोन के बराबर होता है। एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन d2, नाइट टू a5, बिशप पे अटैक है, सो बिशप टू c2 एंड नाउ नाइट टू c4, क्वीन पे अटैक किया है, सो क्वीन टू d1 जो है वो खेला गया। और अब ब्लैक के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों कि ये वो जो है वो बिशप e7 खेले या फिर क्वीन e7 खेले, बट इस पोजीशन में ब्लैक ने जो है मोस्ट नेचुरल मूव कैसल खेला, और ये जो है वो गेम की शायद लास्ट मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर गेम जो है अब सेव नहीं हो सकती। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि मिखेल ताल ने यहाँ से किस तरह से अटैक जो है वो कंटिन्यू किया होगा। रेडी दोस्तों, यहाँ पर मिखेल ताल ने खेला b3, सो अभी नाइट पे अटैक है और नाइट गई b6 पे। अगर दोस्तों b3 के बाद आप नाइट जो है उसको a3 पे ले जाते हो, देन बिशप कैप्चर्स ऑन h7 सेक्रीफाइस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट ये है कि किंग कैप्चर्स ऑन h7 के बाद नाइट टू g5 चेक, किंग टू g8 एंड नाउ क्वीन d3 जो है क्वीन h7 चेकमेट की थ्रेट है। एंड नाउ g6 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन e6, एफ कैप्चर्स ऑन e6 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन g6 चेक, किंग h8, और b4 के बाद ये बिशप जो है उस पर अटैक है और बिशप जाएगा देन बिशप कैप्चर्स ऑन a3। सो देखा दोस्तों, आप भले ही किंग पे अटैक कर रहे हो बट आपका ध्यान जो है वो पूरे बोर्ड पे होना चाहिए अगर आपको अच्छा टेक्टिशियन जो है वो बनना है। सो चलते हैं गेम में, जहाँ पे b3 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने जो है वो नाइट टू b6 खेला, बट देन दोस्तों नाइट टू g5। सो अभी जो है बिशप कैप्चर्स ऑन h7 थ्रेट है, और अगर आप यहाँ पे जो है g6 खेलते हो देन पहले b4 बिशप पे अटैक है एंड बिशप टू e7 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन h7 जो है वो जस्ट विनिंग है, क्योंकि किंग कैप्चर्स h7, क्वीन h5 चेक, किंग g8 एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन g6, एफ कैप्चर्स ऑन g6 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन g6 के बाद जो आपको है e6 वाला बिशप मिल जाएगा। सो किंग h8, क्वीन कैप्चर e6। सो ये पोजीशन को दोस्तों ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमारे पास पीस के बदले में जो है तीन पास पोन है, प्लस अटैकिंग पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे वाइट का काफ़ी बड़ा है। वो सिंपली बिशप e3 एंड बिशप d4 के बाद अपना ये पोन मूव करेगा, फिर भी जो है ज़बरदस्त अटैक आ सकता है। दूसरी ओर वो जो है f4
एंड रुक टू f3 एंड रुक टू h3 जैसे कुछ आइडिया भी जो है वो ला सकता है गेम में। सो ऑल इन ऑल ये पोजीशन जो है वो वाइट के लिए विनिंग है। सो नाइट g5 के बाद एक्चुअली गेम में जो है वो h6 खेला गया, बट दोस्तों यहाँ पे भी जो है अभी अब ब्लैक कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए आप किस तरह से यहाँ पर विन कर पाओगे। रेडी, यहाँ पर मिखेल ताल ने खेला Qd3। सो उनकी थ्रेट है दोस्तों एक ही मूव में चेकमेट करने की। सो अगर आप इस पोजीशन में g6 खेलते हो देन नाइट कैप्चर्स e6 जो है वो जस्ट विनिंग है, क्योंकि पोन कैप्चर e6, नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन g6, किंग h8 एंड क्वीन h7 जो है वो चेकमेट हो रही है। सो Qd3 के बाद रुक टू e8 जो है एक लौती मूव है, बट नाउ Qh7 चेक एंड नाउ King to f8, बट नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन e6। सो अब रुक कैप्चर्स ऑन e6, इन केस दोस्तों नाइट कैप्चर e6 के बाद से आप पोन कैप्चर्स ऑन e6 के लिए जाते हो, बट देन बिशप टू जस्ट g6 जो है वो विनिंग है, क्योंकि अब जो है आप रुक टू e7 नहीं खेल सकते, अदरवाइज क्वीन h8 मेट है। और उसी तरह से आप यहाँ पे अपनी क्वीन कहीं पे मूव करते हो, सो कुछ जगह देते हो, से Qb8, बट देन b4 के बाद देखिए बिशप जो है वो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि बिशप e7 जाता है देन Qh8 जो है वो मेट हो रही है। सो क्या होगा दोस्तों, बिशप तो देना ही पड़ेगा, साथ में एक्सचेंज भी देना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल वाइट की पोजीशन जो है यहाँ पे भी विनिंग है। सो किंग f8 के बाद नाइट कैप्चर e6 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने रुक कैप्चर ऑन e6 खेला एंड नाउ b4। सो ये बिशप ट्रैप है। सो इसीलिए देखा दोस्तों अगेन किंग पे अटैक है, बट ये अटैक इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि आप जो है बोर्ड की दूसरी ओर इस बिशप को ट्रैप कर सकते हो, क्योंकि बिशप e7 जो है वो पॉसिबल नहीं है टेक्टिकली, क्योंकि सिंपली क्वीन h8 जो है वो मेट हो रही है। सो b4 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो बिशप कैप्चर्स ऑन b4 खेलेगा एंड नाउ c टेक्स ऑन b4, रुक कैप्चर्स ऑन e5, बट नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन h6। और दोस्तों इस पोजीशन में एक्चुअली मिखेल ताल के ओपोनेंट ने मिलगन ने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन का पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप क्या खेलोगे, से पोन कैप्चर्स ऑन h6 बट देन Qh8 और आपका रुक जो है वो ड्रॉप हो रहा है। सो बेसिकली हमारे पास एक्सचेंज ज़्यादा है एंड प्लस ऑन गोइंग अटैक है, राइट। सो ये पोजीशन भी जो है वाइट के लिए विनिंग है। इसलिए जब बिशप कैप्चर ऑन h6 इस पोजीशन में मिखेल ताल ने खेला, ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मिखेल ताल की ये गेम और आज का वीडियो? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।